हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी जेई एडवांस की एंड बिट सैट की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारे रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कई बार आपके सामने आ जाएगा LAH, कभी कभी आपके सामने आ जाएगा NaBH4, कभी कभी आपके सामने आ जाएगा PCC, कभी कभी आपके सामने आ जाएगा SNHCl। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑर्गेनिक में रहती है वो रहती है इन सबको याद कैसे करें और इन सबके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएजेंट जो हम देख रहे हैं, हम कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट देखने वाले हैं, जिसमें पहला रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4। ये जो होता है इसका पूरा नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LAH, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड, या उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एस्टर, ओके, इस तरह का कोई एसिड डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं अगर, तो LAH क्या करेगा इस केस में। तो LAH में आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड यानी क्या प्रोवाइड करेगा हमें, ये H- प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म हम नहीं जान सकते, पर आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, इन सब से हमारा फाइनल आउटकम जो मिलता है वो मिलता है अल्कोहल। तो डायरेक्टली आप अल्कोहल बना सकते हो, आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दोगे CH2OH से। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन एस्टर की बात करें, तो यहाँ पे COET में आप यहाँ पे CH2OH तो लगाएंगे ही, उसके अलावा जो ये OET है इसमें O को H दे देंगे, इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह का हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, और अब आपको रिएक्शन करनी है। तो अब इस केस में आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। मैकेनिज्म कैसे होगा, H- जो है वो सबसे पहले इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, फिर वापस फॉर्म होता है और फिर ये बॉन्ड टूट जाता है। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन में कुछ इस तरह की चीज़ बनती है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, बिकॉज LAH इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो H- फर्दर अटैक करता है इस पाई बॉन्ड पे और फाइनली कंप्लीट रिडक्शन होके O- को H मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है उन सब में फाइनल आंसर क्या आने वाला है, एल्कोहल आने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर LDHyde है या हमारे पास कीटोन है, तो ऐसे केस में अगर हम LAH का यूज़ करेंगे तो यहाँ बन जाएगा RCH2OH और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म आप इजीली सोच सकते हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है, H- जो है वो यहाँ अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है, और फाइनली जो O- है उसको वाटर से या एसिडिफिकेशन करने के बाद H मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैकेनिज्म इसी तरीके से होने वाला है, ओके। लेकिन अगर हमारे सामने नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है RCONH2, या हमारे पास है RC BBN, या हमारे पास है RCH2NO2, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रख सकते हो कि जब इसमें LAH का यूज़ करेंगे तो सबका रिडक्शन ये कर पाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी अमाइन। यहाँ पे अमाइन विल बी द फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो CO का जो O है वो गायब हो गया और यहाँ कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइनाइड के दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन आएंगे, इस नाइट्रोजन पे भी दो हाइड्रोजन आएंगे। अगर हम NO2 में देखें तो इसके ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड, क्योंकि रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन जाते हैं और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आते हैं, तो दैट विल बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इनकी डिटेल मैकेनिज्म हम देख पाएं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है एंड LAH इज टेकन इन एक्सेस, LAH को हम एक्सेस में लेते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ये जो सी डबल बॉन्ड है इसको उड़ा दो, NO2 को कन्वर्ट कर दो किसमें, NH2 में। तो इफ LAH इज टेकन इन एक्सेस, इस तरह से काम अपना बन जाएगा। तो ये हो गए मेन फंक्शंस LAH के। नाउ लेट अस टेक द सेकंड रिएजेंट। सेकंड रिएजेंट इज NaBH4। NaBH4 को शॉर्ट में हम SBH भी बोल सकते हैं, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब NaBH4 की रिएक्टिविटी रिलेटिवली लेस होती है, बिकॉज हाइड्रोजन बोरोन से कनेक्टेड है, तो हाइड्राइड की रिलीज करने की जो पावर है इस केस में लेस रहती है, तो इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ये किस किस को रिड्यूस करेगा, तो देखिए रिड्यूस करके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो LAH और NaBH4 में सेम बनते हैं, लेकिन NaBH4 विल रिड्यूस एसिड क्लोराइड, उसके अलावा LDHyde,
उसके अलावा कीटोन्स, उन्हीं को ये रिड्यूस करता है और सेम आंसर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज डाइबल एच, इसको डिबाल एच भी बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये काफ़ी स्पेशल रिएजेंट है और इस रिएजेंट के मेनली हम क्या करते हैं, इस रिएजेंट में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टर है कोई, और एस्टर में अगर हमने डाइबल एच का यूज़ किया तो व्हाट हैपन्स इज यहाँ पे रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है, अगर हम डाइबल एच का वन इक्विवेलेंट लेते हैं तो। अगर आपने एक्सेस में लिया तो हो सकता है ये भी फर्दर रिड्यूस हो जाए, लेकिन अगर हमने वन इक्विवेलेंट लिया तो रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड स्टेज, जो ऊपर वाले केसेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास साइनाइड भी है तो भी ये उसको RCHO में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। NCERT में ये दो प्रीडोमिनेंटली मेंशनड है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, बाकी डाइबल एच एसिड्स की रिडक्शन में भी काम आ सकता है, ठीक है। शॉर्टकट ये है कि डाइबल एच में आप फोकस करें एच पे, ठीक है, तो दैट विल गिव यू अ हिंट कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी जैसे एल्डिहाइड में एच आता है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि डाइबल एच विल हैव द प्रोडक्ट इन विच डायरेक्टली एच इज अटैच, दैट इज एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद कई बार रिडक्शन में एक रिएजेंट आता है SNHCl, ठीक है ना। SNHCl जो होता है ये क्या करता है, तो देखो SNHCl जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो SNHCl का फंडामेंटल यूज़ जो आता है SNHCl या FeHCl का, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, लेट अस से नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है और हम उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट करना चाहते हैं NH2 में, तो ऐसे केस में आप SNHCl का यूज़ कर सकते हैं या FeHCl का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग विच, नेक्स्ट रिएजेंट विच यू शुड सी इज NH4HS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, JEE एडवांस में बहुत बार ये आ चुका है, बिटसैट में भी आ सकता है। इसमें ये सेलेक्टिव रिडक्शन का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल दो NO2 हैं और हम चाहते हैं किसी एक NO2 को ये रिड्यूस करे, किसी एक को ही करे दूसरे को ना करे, तो हम NH4HS का यूज़ करते हैं विच रिड्यूसेस only one of the NO2 exclusively, जिससे यहाँ पे NH2 बन जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब देखते हैं अगले रिएजेंट को, द नेक्स्ट रिएजेंट इज SnCl2 प्लस HCl, ये जो रिएजेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टीफन्स रिडक्शन में काम आता है। हमारे पास अगर RCN है और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है RCHO में, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं SnCl2 प्लस HCl और बाद में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो इट इज़ यूज्ड इन स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। लेट अस टेक द सेवंथ रिएजेंट, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट होता है वो होता है H2PdBSO4, इसको पॉइजन पैलेडियम भी बोल सकते हैं, लेकिन लार्ज कैटलिस्ट भी वही सेम फंक्शन करता है, तो H2PdBSO4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पॉइजन पैलेडियम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे हमारे पास एल्काइन है और एल्काइन में अगर हम इसको डालते हैं तो ऐसे केस में हमें मिलेगा सिस एल्कीन, यानी ट्रिपल से डबल बनेगा और ये फर्दर रिडक्शन नहीं करेगा अगर हमने इसका वन इक्विवेलेंट लिया तो, और यहाँ पे सिस एल्कीन जो है वो फॉर्म होता है। इसका एक और फंक्शन है, एक रिडक्शन होता है रोजरमंड रिडक्शन, RCOCl एसिड क्लोराइड, क्लोराइड्स की हाइड्रोजनेशन होने की टेंडेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पे होती है, तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस और यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। उसके अलावा बर्च रिडक्शन में एक रिएजेंट रहता है सोडियम और लिथियम, साथ में लिया जाता है लिक्विड अमोनिया। ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, तो देखिए Na लिक्विड NH3 जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पे सबसे इसका मेन फंक्शन है, जैसे एल्काइन हमारे पास है तो ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करेगा और जो हमें एल्कीन मिलेगा दैट विल बी ट्रांस, हेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, आइए देखते हैं अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन से सबसे पहले हमें मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। अगर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फाइनल तक, यहाँ तक पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हमारे पास आता है 2 डिग्री अल्कोहल और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे ये कीटोन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है इस बारे में अभी बात हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। अब ये कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं हो सकता है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें
तो ऐसे केस में अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उसमें कई सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधा एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास इथेनॉल है और इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, हमें रिएक्शन यहीं पे स्टॉप करनी है। ऐसे केस में हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है पीसीसी, दैट इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा CrO3 का यूज़ कर सकते हो, लेकिन CrO3 कई बार आता है तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि CrO3 में कब क्या होगा। तो CrO3 जो होता है, अगर इसके साथ आप CH2Cl2 लेते हो या आप एनहाइड्रस मीडियम लेते हो, यानी पानी का इसमें कोई साइन नहीं होगा, तो ऐसे केस में ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा NCERT में एक और रिएजेंट गिवन है कॉपर हीट की प्रेजेंस में भी ये चीज़ हो जाती है। अब मान लीजिए आप क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल को डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट। इन एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, न्यूट्रल भी ले सकते हैं, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं। बस फर्क ये है कि अगर बेसिक मीडियम में आपने इसको लिया तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो हमने लिया CrO3, लेकिन यहाँ पे हमने लिया एसिडिक मीडियम, इसको जोन्स रिएजेंट भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोन्स रिएजेंट, ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है। उसके अलावा हम H2CrO4 क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी केमनोफोर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का एल्कीन है और हमारे पास केमनोफोर है, ठीक है, एसिडिफाइड केमनोफोर है, हॉट केमनोफोर है, तो ऐसे केस में आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो होता है, यानी O3 H2O2 या H2O में जो होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में होगा, वही सेम फंक्शन यहाँ होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर इस कार्बन पे H अवेलेबल है तो आप उस H को हटा के OH लगा दोगे, यानी यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O, और जहाँ पे H था वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। यही सेम फंक्शन नीचे भी होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हॉट केमनोफोर में ये क्या करते हैं। अगर हमारे पास कीटोन अवेलेबल है और कीटोन में हमने अगर केमनोफोर लिया, हॉट केमनोफोर लिया, तो आप उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसमें एक रूल लगता है पॉपऑफ्स रूल, तो वो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा ही वीडियो सबसे टॉप पे आएगा, तो आप पॉपऑफ्स रूल देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रियल में हाउ इट फंक्शंस। आइए अब बात करते हैं कुछ बेसिस की, इंपॉर्टेंट बेसिस की, इंपॉर्टेंट बेसिस सच एज सोडियम मेटल NaH, NaNH2, या फॉर एग्जांपल सोडियम की बजाय लिथियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, यानी शुरुआत में एक्टिव मेटल है NaH है, NaNH2 है, उसके अलावा NaOH एंड NaHCO3। ये जो NaOH एंड NaHCO3 है ये JEE एडवांस्ड के लिए खासकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 जो होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन जब होती है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो ऐसे केस में ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो यहाँ से H+ को निकालता है और यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। कैसा सॉल्ट बनता है, कुछ ऐसा सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो CO2 का कार्बन है वो कार्बन कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा। तो अब ध्यान रखना जो ये एसिड है इस एसिड से C नहीं निकलने वाला, ये जो C निकलने वाला है। नाउ द मेन थिंग इज कि डाउट ये आता है कि ये कहाँ से मतलब किससे रिएक्शन करेगा किससे नहीं करेगा। तो देखिए इसके पूरे डिटेल्ड फंडे रहते हैं कि भाई किससे रिएक्शन करेगा किससे नहीं करेगा, पर ब्रॉडली आप इसमें इतना ध्यान रख सकते हैं कि जिन भी एसिड्स का पीके वैल्यू 6.4 से कम है, जिन भी एसिड्स का पीके वैल्यू 6.4 से कम है उनसे ये काफ़ी अच्छे से रिएक्शन कर लेगा। अब 6.4 से कम अगर एसिड्स के हम देखें तो बेंजोइक एसिड्स जो होते हैं उनका पीके वैल्यू बेंजोइक एसिड का 4.24 होता है, और बाकी कई काफ़ी सारे एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड का 3.77 होता है, पिक्रिक एसिड का अराउंड 1 होता है। तो वो अगर आपको याद है तो दैट विल हेल्प यू, नहीं तो ओवरऑल जनरलाइज्ड आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो बेंजोइक एसिड है उसके डेरिवेटिव है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक जो भी हैं उन सबसे NaHCO3 रिएक्शन करेगा एंड CO2 गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। कुछ नाइट्रोफिनॉल्स हैं उनसे भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2,4-dinitrophenol
फिनॉल, तो इससे भी रिएक्शन फेवरेबल रहेगी। अगर हमने सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन CO2 भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसका पीके वैल्यू अराउंड 4.01 रहता है। ठीक है, अगर NaOH की बात करें तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है। अब ये स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिनॉल डेरिवेटिव्स, अगर इसका ट्रिक मैं डायरेक्टली आपको बताऊँ तो फिनॉल डेरिवेटिव्स और उससे एसिडिक जो भी है कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब की रिएक्शन NaOH के साथ हो सकती है। ठीक है ना, हो जाएगी। उसके अलावा ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो इनकी रिएक्शन किससे नहीं होती ये बताना पड़ेगा। इनकी रिएक्शन एल्केन से नहीं हो सकती, एल्कीन से नहीं हो सकती, नॉन टर्मिनल एल्काइन से नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी रिएक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है टर्मिनल एल्काइन से, जिसका ये एच ठीक ठाक एसिडिक होता है। इसके अलावा नॉर्मल एल्कोहल से भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन NaOH नॉर्मल एल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है। और इसके बाद जो भी है, यानी ये जो एक्टिव मेटल है NaH है NaNH2, दे आर मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ देम। आइए देखते हैं अगले रिएजेंट को। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो होता है वो होता है CHCl3+KOH। CHCl3 को तो आप जानते हो, यह है क्लोरोफॉर्म, जो बॉलीवुड का ऑफिशियल किडनैपिंग एजेंट है। तो ये जो रिएजेंट है ये दो रिएक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है रेमर-टीमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरी होती है कार्बाइलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें RNH2 को RNC में कन्वर्ट करने के लिए, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए CHCl3KOH का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो बहुत ही फेमस रिएजेंट है, वो है Br2+KOH, यानी हेलोजन के साथ अगर हम एल्कली लेते हैं, या I2+KOH और NaOH, या इनका जो डिसप्रोपोर्शनेशन करने के बाद फॉर्म बनता है हाइपोब्रोमाइड आयन, ओके, या NaOI, इस तरह का रिएजेंट बहुत फेमस है। इससे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी सॉल्व हो जाती हैं। वन इज़ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, RCONH2 का CO गायब हो जाता है एंड यहाँ पे 1° अमाइन इज़ फॉर्म्ड। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर जब हम यही रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडोफॉर्म में इन द केस ऑफ आयोडीन, प्लस जो दूसरा पोर्शन है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके गाइज, आइए देखते हैं कुछ और रिएजेंट्स को। नेक्स्ट वेरी फेमस रिएजेंट इज नोन एज लुकास रिएजेंट, जिससे हमें बहुत आस है कि एग्जाम में आएगा। लुकास रिएजेंट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl+ZnCl2। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली किसी अल्कोहल को, लेट अस से हमारे पास 2° अल्कोहल है और हमने अगर ये रिएजेंट लिया तो यहाँ पे OH को रिप्लेस करके Cl आता है और ऑब्जर्वेशन आती है क्लाउडीनेस। ठीक है, क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी इंक्रीजेस, इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म SN1 फॉलो होता है एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो 3° अल्कोहल ये टेस्ट बहुत जल्दी देता है, 2° थोड़ा टाइम लगाता है और 1° ये हीटिंग पे ही टेस्ट देता है, या नॉर्मल कंडीशन में दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय 1° अल्कोहल। उसके अलावा एक रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सुना ही होगा, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो ओवरऑल दैट इज अमोनिएकल AgNO3, दैट इज अमोनिएकल AgNO3। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि एल्डिहाइड जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस केस में और ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। इस प्रोसेस में सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, जिसको बेसिकली सिल्वर का PPT है तो उसको सिल्वर मिरर बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकती हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे टर्मिनल एल्काइन की बात करें वो भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, उसमें सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट रिएजेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए वो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ए और एक बी। ए पार्ट में ब्लू विट्रियोल होता है, दैट इज CuSO4.5H2O, और जो बॉम्बे बी जो पार्ट है वो होता है रोशेल्स सॉल्ट, दैट इज रोशल्स सॉल्ट, जो क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इसका भी मेन फंक्शन वही होता है, एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देता है और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। द मेजर फंक्शन इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। द मेजर डिफरेंस विच कम्स बिटवीन टॉलरेंस एंड फेलिंग्स इज दैट कि टॉलरेंस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे बेंजल्डिहाइड, उससे टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव मिलता है लेकिन फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है।
सो गाइज इस वीडियो में आपने काफ़ी सारे रिएजेंट्स के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, जैसे कि LH, NaBH4, Dibol-H, SNHCl, उसके अलावा NH4HS के बारे में हमने जाना, देन लैंडलार्स कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन के बारे में हमने जाना, फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में देखा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी देखे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी देखे। उसके अलावा हमने कई सारे एसिड, कई सारे बेस देखे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वीक बेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। उसके अलावा ये कुछ रिएजेंट्स देखे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपको आई होप बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत मज़ा आया होगा। और भी कोई आपको कमेंट सेक्शन में कुछ रिक्वायरमेंट आपकी है तो ज़रूर मुझे बताते रहिए, ताकि अगले वीडियोज़ भी हम अच्छे से अच्छे इस तरह से ला पाए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट।